भाजपा की कल आयोजित पीएम रैली को लेकर इनेलो सिरसा प्रत्याशी चरणजीत सिंह रोड़ी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी संत रामपाल, कभी जाट आरक्षण डेरा सच्चा सौदा मामले में भाजपा ने जो जुल्म ढाए हैं, उसके बाद फतेहाबाद में रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी द्वारा 9 मई को होने वाली सिरसा रैली को लेकर चरणजीत सिंह ने कहा कि अब इनका वजूद खत्म है और INLD हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। चरणजीत सिंह रोड़ी ने कहा कि 2014 में भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें एक भी विकास कार्य नहीं करवाया और अब विकास कार्यों की दुहाई दे रहे हैं, मगर जनता समझदार है। मोदी साहब अखबार टीवी च ये तो हर रोज़ ही देखते हैं, मोदी मोदी कितने अखबार च, हवा कितने है अखबार की, हवा हवा कितने है टीवी की हवा। इन्हों के इतने आना कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि इन्होंने हरियाणे को 4 बारी जलाया होया, जिहदी सरकार में 4 बारी हरियाणा जलिया होवे और वो प्रधानमंत्री इतने आके बोले। मैं कहना जाट इलेक्शन वेले जाट किन्ने मुंडे मारे, नोटबंदी वेले किन्ने बंदे मरे, और जे देखिए डेरा प्रेमी पंचकूले में जाके अनर्थ किया इन्होंने। अज ये सरकार इतने आके, मैं कहना मोदी साहब नूं इत्थे हरियाणे च आउणा ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हरियाणे नूं 4 बारी मचाउण दा काम कीता। तां हरियाणे दी जनता और मुलाजमां दा हाल देखिए, आंगणवाड़ी वर्करां उत्ते पाणी पा के उन्हां नूं कुट्टिया गया, तो अज उह हरियाणे विच आउणगे तां मैं समझांगा उन्हां वास्ते ठीक नहीं है। हरियाणे ने फैसला ले लिया, आने वाली सरकार जी इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी की बननी है। यानी कि ये सारी जो जनता सारी वोट की चोट ते ही अपना रंग दिखाओ, तो देखो जनता मथी बैठी है, जनता की कोई बाह नहीं जाती। अज किसान दुखी है, किसान मंडियां दे विच रोल रहा, और जेखी आड़ती भरा ने, आड़ती भरावान ने बहुत वड्डी जायजती करीती है, लेकिन यह सारे का सारा हिसाब है जिहड़ा आने वाली 12 तरीक नूं चश्मे का बटन दबा के फिर हिसाब लैणगे इन्हां दा। वहीं INLD रतिया विधायक रविंदर बलिया ने कहा कि भाजपा ने जो लोगों को गुमराह कर सत्ता हासिल की थी, अब उनका जगह जगह विरोध हो रहा है और लोगों ने नुक्कड़ जनसभाएं तक नहीं करने दे रहे और ना ही गांव में घुसने दे रहे। रविंदर बलियाला ने कहा कि अब INLD की ही चारों तरफ लहर है और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। इन्होंने काम यही जो कर भी, मैं असी पहला ही सू इस गल का अंदेशा से, हर वर्ग दुखी अज परेशान है, तो लोगों की परेशानी इन्नी बढ़ गई कि लोग आपका अस्तित्व भी नहीं मन रहे भी बनू की, यह किस तरह के बंद असी पल्ले पै गए। इस करके लोग इन्हों के मंगर पै रहे हैं, इन्हों के वट्टे मार रहे हैं, इन्हों के डले मार रहे हैं, तो आने वाले समय के वोट की चोट मार के इन्हों सत्ता तो बहर करने का काम करे, परेशान नहीं इन्ने लोग इन्हों की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। कंचन TV के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट। आंखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर, सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, अरमा है जितने भी सारे पूरे होने यही है। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. Poore honge sare sapne.